18 सितंबर को दिल्ली के करोल बाग में एक बड़ा हादसा हो गया जहां बापा नगर में एक पुराना मकान भरभरा कर गिर पड़ा। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 14 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया और घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आतिशी ने अस्पतालों में भर्ती घायलों से मुलाकात की। आतिशी ने न केवल उनका हालचाल जाना बल्कि इस कठिन घड़ी में उनके प्रति अपनी पूरी संवेदनशीलता और समर्थन का भी आश्वासन दिया। इसके साथ ही आतिशी ने मृतकों के परिवार को 10 लाख मुआवजा देने का भी ऐलान किया है। आतिशी का कहना है कि सभी मृतकों के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा और साथ ही घायलों को भी सहायता राशि दी जाएगी। एक बिल्डिंग के कोलैप्स होने से काफी लोग जो उस बिल्डिंग में रहते थे वो उस बिल्डिंग के टूटने से दब गए। तकरीबन 15-16 लोगों को उस बिल्डिंग से रेस्क्यू किया गया। वो अभी उनका इलाज यहाँ पे RML हॉस्पिटल में चल रहा है। कुछ लोगों का इलाज लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में चल रहा है। हम सबके लिए दुख की बात है कि उसमें 4 लोगों की मृत्यु भी हो गई है। उनमें से काफी वैसे तो दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। मैं अभी यहाँ पे आके अस्पताल में सब पेशेंट से भी मिली हूँ, जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवारों से भी मिली हूँ। दिल्ली सरकार की तरफ से जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारों को और जिनको इंजरीज हुई हैं उनको पूरा सपोर्ट दिया जाएगा। हर मृतक के परिवार को दिल्ली सरकार की तरफ से 10 लाख रुपए का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा और जो सारे इंजर्ड हैं उनको भी मेजर इंजरी माइनर इंजरी है उसके हिसाब से कॉम्पेंसेशन जरूर दिया जाएगा। बाकी जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन पे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। मैं मेयर से भी लगातार इस मुद्दे पे टच में हूँ कि जो भी कंसर्न्ड ऑफिसर्स हैं, चाहे वो बिल्डिंग डिपार्टमेंट के हों चाहे वो NCD के किसी विभाग के हों, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया, बिल्डिंग किस हालात में है उसे देखा गया कि नहीं देखा गया, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो बिल्डिंग के मालिक हैं उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। बता दें कि घटना 18 सितंबर की सुबह करीब 9 बजे की है। ये इमारत करीब 30 साल पुरानी बताई जा रही है। इसमें महिलाओं के जूते चप्पल बनाने का काम किया जा रहा था। बताया गया कि मकान पहले से ही जर्जर हालात में था। बारिश की वजह से यह अचानक भरभराकर गिर पड़ा। हादसे के समय इमारत में 18 लोग सो रहे थे जो मलबे में दब गए। सभी को रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया गया जिनमें 4 की मौत हो गई। 2 की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है।